आपको पता है, आपको पता है, अभी हमारे जो गवर्नर है सिंध के, वो बता रहे थे कि लियाकत अली खान को कराची में मारा गया, मतलब कराची में उनको गोली लगी, उनको इतना भी नहीं पता कि उनको रावलपिंडी में लगी। मतलब मैं तो हैरान हो गई कि ये गवर्नर है कराची के। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, और तारिक फतेह साहब को सब जानते हैं, ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। आज हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके बाद जो बातें चली, एक तो हम उस पर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ से शेख रशीद साहब ने कहा कि ये इस्लाम की जीत है, तो उस पर कई लोग कह रहे हैं, बल्कि मैंने भी कहा है अपने एक वीडियो में कि 29th को अफगानिस्तान के साथ मैच है, तो क्या वहां इस्लाम इस्लाम से हार जाएगा? इसमें मतलब इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया क्रिकेट मैच में? नहीं, अल्लाह मियाँ तो अब सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला जो है उनके पास, उनको हमने सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान की। अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का है। आप इसको फिर, और ये आपने पीछे क्या बत्तियां लगाई हुई हैं, ये कुफर लग रहा है। ये मैं हाँ दिवाली मना रही हूँ, फोर्थ को हाँ दिवाली है तो मैंने हाँ जो तो है ये देखिए, वो गद्दारी कर रही हैं आप अल्लाह से और पाकिस्तान से। अल्लाह आपको, बल्कि मैं तो चराग भी लेके आई हूँ, वो भी जला अरे दूंगी। अरे बाप रे बाप, अल्लाह आपको जहन्नम नसीब करे, क्योंकि आप इस्लाम की दुश्मन लग रही मुझे। और वैसे लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए हैं अब तो, एंट्री नहीं पॉइंट मिलती। अब क्या करें, देखिए इनका कोई इलाज नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि 5,000 जनरेशन्स ऑफ फर्स्ट कजिन मैरिजेस के बाद सर फिरे इंसान ही पैदा हो सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर बहुत डिटेल स्टडी हुई है कि पाकिस्तानी मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड क्यों हैं इतने ज़्यादा, और वो 80-90% फर्स्ट कज़िन मैरिजेस करके तबाही कर दी। और फर्स्ट कज़िन के अलावा तो किसी से कभी मुलाकात ही नहीं होती किसी लड़की की, तो भाईजान भाईजान के बाद वो हस्बैंड बन जाता है। एंड बच्चे तो वैसे ही फिर होंगे शेख रसीद जैसे, या वो पता नहीं हेयर डाई उनकी खोपड़ी के अंदर सीप कर गई है। लेकिन एक चीज और है सर, यहाँ पे मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि वकार यूनुस जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी हमारे खिलाड़ी ने, बड़ा कारनामा किया, और दूसरे दिन माफी मांगी उन्होंने। डिपेंड करता है किसने कितना बड़ा सोटा मारने की धमकी दी हो या किसने पैकेज पैसे की दिए हो। देखिए फंडामेंटली पाकिस्तानी की एग्जिस्टेंस है हिंदुओं से नफरत करना। इसकी और को जिसे रेजों देते कहते हैं ना, कि द रीजन टू एग्जिस्ट इज टू हेट हिंदूज एंड इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। फिर उसके अंदर दोगलापना तो है ही है हम में, तो जब कोई आंटी आ जाए अपर क्लास की तो फिर वो अमन की आशा बन जाता है, अगर वो गरीब हो तो फिर हमें पसंद नहीं है। फिर वो कहते हैं ये सब्जी खाने वाले कौमुल काफरीन, दुआओं में मांगते हैं या खुदा कौम मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे, और बाहर निकलते ही डिनाई कर देते हैं कि हमने ये कहा, ये तो हम क्या काफिर, तो नहीं हम तो नहीं कहते काफिर, कभी भी नहीं, वो तो यहूदी होते हैं काफिर या क्रिश्चियन। वी हैव बिकम नॉट श्योर एज टू हु वी आर, तो उसके अंदर जो मुंह में आता है बक देते हैं। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस का ये हालत है कि आपने जाके दो हिंदुओं के बीच में सिद्धा कर लिया, नाउ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। और कैसी कैसी कमेंट्री सुनी है, और लोगों ने जवाब दिए हैं कि कुफर को सामने तोड़ा है, कुफर तोड़ा। अरे हु आर यू, यानी तुम्हारे भिखारियों का मुल्क हाथ पांव जोड़ के। फिर सुना सऊदी अरेबिया ने फिर को खैरात दे दी है, जी हम तो दे अ पीपल
who cannot manage their own country, अपने जो गरीब गुरबा हैं उनका ध्यान नहीं रख सकते हो, दस हजारों के हिसाब से लोगों को नौकरियों से निकाल देते हो, पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, गर्म कपड़े नहीं है लोगों के पास सर्दियों में, गांव गांव के अंदर वो फने खाने दिखाते हैं कि ओ जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली, क्रिकेट खेल लिया। अरे भाई, तो अब जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हो तो अल्लाह मियां ने ब्रेक ली भी थी बीच में क्या? और अगर जैसे स्कॉटलैंड को हराया उसने अफगानिस्तान ने, तो क्या अल्लाह मियां किस तरफ थे? उन्होंने कहा लो भैया सिटीजनशिप बदल के मैं अफगानिस्तान का हो जाता हूँ, वो स्कॉटलैंड वाले काफिर हो गए। बट जस्ट इमेजिन दैट दीज पीपल हु आर प्लेइंग अ गेम that they had nothing to do to invent it, na inne bat banaya na ball banaya na rules banaye na likhna aaya na wisdom se taluq kuch nahi, angrez inko sikha gaya aur islam ki jeet। are yemen mein to kisi ko pata bhi nahi hai cricket word kaise likhte hain, aap samajhte hain algeria mein log khushi mana rahe hain, allah allah pakistan jeet gaya hindu haar gaya। Just imagine the stupidity, these guys know that the biggest Islamic country, Indonesia, nobody knows what is cricket. So, cricket ke andar India ko hara ke Islam ki jeet kaise ho gayi? Aur jo sir 12 baar pehle haar bhi to chuke hain, tab kya ho raha tha, Islam haar raha tha kya? वो कुछ और होता है समझा के नहीं, इंडिया से 12 बार मार के नहीं होता है, एक दो बार नहीं 12 बार हारे क्रिकेट में। आई अंडरस्टैंड, बट इनको तो गुगली और गली में फर्क नहीं पता, जो लोग इस्लाम और कुफर की जंग क्रिकेट में लड़ रहे हैं, इनको को पूछ ले शॉर्ट पिच बॉल क्या होती इनको नहीं पता होता है कि राइट ओवर द विकेट और यू नो व्हाट इज द डिफरेंस, दे डोंट। और आप देखिए कि जब वकार यूनिस टाइप का प्लेयर ऐसी स्टुपिडिटी की बात करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? वो उनको अलग गुस्सा आ रहा था, वो जो फास्ट बॉलर है राहुल पिंडी एक्सप्रेस को उधर से छोड़ के जा रहा है, उनके होस्ट को मैंने देखा, आई मीन दिस इज अनपैरेलल्ड, बट व्हाई इज इट हैपनिंग? पाकिस्तान इज अ फंडामेंटली इनसिक्योर, ये अपनी मादरी जबान से नफरत करते हैं। अच्छा, ये जो सर ये जो होस्ट जिन्होंने बदतमीजी की थी उनसे, शोएब अख्तर से, उनके भी सुना है कि खानदान वाले बहुत ज्यादा फौज में हैं इसलिए वो अकड़े रहते हैं। हाँ, तो और किस बात पे अकड़ेगा आदमी? आपको जैसे ही 47 के बाद गांधी की हंगर स्ट्राइक के बाद पैसे मिले, आपने राइफलें चोरी की, जाली राइफल्स रावलपिंडी पुलिस और वहां से करके 20,000 राइफल्स एंड एमिनेशन दी उस जमाने के तालिबान को, हिंदुस्तान पे अटैक कर दिया आपने। देयर इज नथिंग दैट इज एवर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, सब अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, आपको इजिप्ट में मिलेंगे, कैसे कैसा इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ है मिस्र के अंदर, अल्जीरिया में कैसे कैसे फ्रीडम फाइटर पैदा हुए। ये ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, इसको 1947 में से पहले इनको भगत सिंह का नहीं पता, इनको उधम सरदार उधम वो फिल्म के अंदर पाकिस्तानी बैठ के ऐसे देखते हैं किसकी बात हो रही है, दे हैव नो क्लू अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल दैट टुक 100 years। आपको पता है अभी हमारे जो गवर्नर है सिंध के, वो बता रहे थे कि लियाकत अली खान को कराची में मारा गया, मतलब कराची में उनको गोली लगी, उनको इतना भी नहीं पता कि उनको रावलपिंडी में लगी, मतलब मैं तो हैरान हो गई कि ये गवर्नर है कराची के, वो कुछ भी बोलते नहीं, वो इसलिए कि वो उर्दू बोलते थे ना, लियाकत अली खान चूड़ीदार पजामा और अचकन, वो बाय द वे लियाकत अली खान नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जादूगरी तो आप देखिए ना, बहरहाल लाहौर पिंडी ये सब एक ही समझा करें, दे आर ओब्लिवियस के गदर क्या था। आप एक सर्वे करिए और पूछिए अपने गेस्ट से
कि खतर के बारे में कुछ बताइए, डोंट टेल देम ताकि वो गूगल कर सकें, वैसे ही पूछिए, एक क्विज है गदर, दे वोंट नो, दे वोंट नो व्हाट इज द खतर राइट मूवमेंट जिसका रिबेलियन हुआ सिंगापुर में। सिंगापुर में जो POWs थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने के, उन्होंने ब्रिटिश ये इंडियन POWs ने रिबेल किया अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप्स और जर्मन्स के पास गए। जर्मन्स ने कहा कि ये देसी माल हमको नहीं चाहिए, तुम वापस जाओ अपने गोरे के पास। ऐसी ऐसी जिल्लतें उठाई हुई हमने, लेकिन the Indians know quite a lot about their history after all, कंबोडिया तक उनकी सिविलाइजेशन। हमें तो रिसेंट 1930s का नहीं पता, 1920 में क्या हुआ किसी नहीं पता। सिर्फ आपको पता होता है सेपरेट इलेक्ट्रेट, मुस्लिम लीग, वो अजीब अजीब बैडली बाउंड एंड बैडली प्रिंटेड बुक्स ऑन पाकिस्तानी हिस्ट्री, IH कुरैशी की होती है या समबडी लाइक दैट। We know absolutely nothing about 100 years prior to that, and we are carrying on. तो हमें फिर सहारा क्या मिलता है? तकबीर, अल्लाह अकबर। अच्छा, वो जो नाराय तकबीर था वो भी बदल गया। आपको पता है कि अब नाराय तकबीर नहीं कहते, अब कहते हैं सिर्फ तकबीर और अल्लाह अकबर। कैनेडा के महफिलों में अब पाकिस्तानी कहते ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए, शैतान आ जाएगा। अरे कभी कुत्ता आ रहा है, फरिश्ते भगा रहा है, कभी शैतान आ रहा है ताली बजाने से। वी हैव बिकम डिलिंक्वेंट बिकॉज वी आर नॉट इवन कंसिडरिंग ourselves as ह्यूमन beings. वी थिंक वी आर समथिंग क्रिएटेड इन सम स्पेशल लैब, जो अल्लाह ताला ने तुर्क और अल्जीरियन और सोमाली और नाइजीरियन मुसलमान को दोनों का, तुम लोग तो छोड़ो यार, मैं इनसे ये लाएंगे मेरा खिलाफत। ये जो आप बात कर रहे थे अभी नारे तकबीर की, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये चल रही है कि आपको पता ही होगा कि तहरीक लबैक वाले निकल पड़े हैं वहां से, लाहौर से, तो उनको जो मार रहे हैं पुलिस वाले वो भी नारे तकबीर लगा रहे हैं और वो खुद भी नारे तकबीर लगा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही नारा लगा के एक दूसरे को मार रहे हैं और वहां से रोका नहीं। तो इमाम हुसैन को मारते हुए कौन तकबीर का नारा लगा रहा था? और अबू सुफियान नहीं लगा रहे थे? काबे के बम्बार्डमेंट करके 18 साल हज नहीं किया, नहीं हुआ, तो वो नारे तकबीर ही लगाना। ये छोड़ दीजिए, इसको जाने दें। बट बिकॉज द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी नोज एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट हिज कल्चर, हिज नेशनैलिटी, फॉरगेट अबाउट रिलीजन, द शिया नोज व्हाट ही हैज बीन टॉट through his line, and the Sunni knows that the Shias are fundamentally anti-Muslim. Rifadiya कहते हैं ना, people who have rejected Islam, वो आप काज़मी हैं तो शिया होंगी, तो आप तो rejected माल में से हैं, you cannot be Muslim. ये इस कदर, but for all, even that you have to study something. जिस मुल्क पे 500 किताब बिकने पे bestseller हो जाए और उसकी पॉपुलेशन हो 250 मिलियन, दो चार ऑथर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए। सो व्हाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रैशनैलिटी? दुख तो वो है जो हिंदुस्तान में मुसलमान बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। लेकिन सर अगर आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है अगर वही आप देख ले तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सारी जंगे जीती हुई है, हमने तो बड़ी मार लगाई हुई हिंदुस्तान को उन किताबों में। वो पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान स्टडीज में 1946 साल नहीं है क्या? 1922 का साल निकाल दिया क्या? खिलाफत मूवमेंट गायब हो गई जिसके अंदर आपने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया केरला के अंदर, और गांधी जी को आगे आगे लगे कि उन्होंने कहा भाई ये अली बिरादरान के साथ मिल जाऊंगा शायद इनको कुछ शर्म आ जाए ना। वी आर लॉस्ट। आप सोचिए अली ब्रादरान का, उन्होंने कहा मुझे दफनाओ उस जगह जहां अंग्रेज की हुकूमत ना हो, और दफन हुए वो फिर जेरूसलम में। अरे भाई उनको किसी ने बताया नहीं था कि वो ब्रिटिश पैलेस्टाइन है, एंड यहां हर कोई उन्होंने देखिए कहा कि नहीं दफनाएंगे नहीं, पाक हिंदुस्तान में तो अंग्रेज की हुकूमत है तो वहां दफनाएंगे नहीं। अरे जहां तुम दफनाए गए वहां भी अंग्रेजी की हुकूमत थी,
इट इज कॉल्ड ब्रिटिश पैलेस्टाइन, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ वैसे ब्रिटिश पैलेस्टाइन का भी पार्टीशन हुआ, बट वी आर इन लव विथ फेक थिंग्स एंड अपर मिडिल क्लास अटैचमेंट्स टू यू नो, जैसे हम पर्दे और किताबें मैचिंग खरीदते हैं और वजन के हिसाब से, किसी मुल्क में आपने सुना किताबें बिकती हैं 500 रुपए किलो की, पाकिस्तान में किताबें बिक रही हैं, मैचिंग पर्दे उसके मिल जाते हैं आपको, आंटी सेटिंग करा देती हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी आंटी आती हैं, वो भी कहती हैं देखिए जी ये कैसे मैच किया, इनको यूं तोड़ के यूं लगा दीजिए। सो यू आर अ लॉस्ट पीपल, जब तक आपको अपनी रियलिटी नहीं एक्सेप्ट होगी कि आप पंजाबी हैं, आपकी जबान पंजाबी है, वो पश्तून हैं वो पश्तो बोलते हैं, ये सिंधी हैं इसे सिंधी बोलते हैं, उर्दू आपके दुश्मन की जबान है, इसका ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान से कोई। हमारी तो उर्दू, हमारी तो जुबान उर्दू, बल्कि कल ही मैं एक अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारी एक वो अम्मी की फ्रेंड थी, वो भी इंडिया से ही आई थी, तो वो कहती थी कोई अगर कोई किसी को कोई काम बताए और वो नाराज हो जाए या ना करें तो कहती थी हमने उनको ये कहा वो तो भुकड़ गए। अब मैंने कहा कि ये भुकड़ गए वर्ड जो है वो उस पे हमारा कॉपीराइट है, वो सिर्फ हमारे ही बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है। बट वी आर अ सैड लॉट, देयर आर नो पीपल ऑन अर्थ आरजू, देयर इज नो ग्रुप, दुनिया में 400 नेशनलिटीज है, देयर इज नॉट इवन वन हु डोंट स्पीक द मदर टंग इन पब्लिक, वी आर द ओनली पीपल जो दुश्मन की जबान बोलते हैं टू प्रूव हाउ लॉयल दे आर, और जो पश्तो में बोल दे वो तो हो गया ट्राइब्समैन, पंजाबी में बोले तो वो डंगर, पश्तो में बोले तो वो तालिबान, दिस इज बिजार। आप लेकिन पहले तो सर ऐसे नहीं था, लोग आते जाते थे, मेरे फादर के कई दोस्त जो हैं उनके फैमिली में शादियां तक कोई इंडिया से मतलब रिश्ते हुए, आना जाना था ये। वो प्योर था ना, उर्दू बोलने वाले तो प्योर होते हैं ना, हम हमारे जैसे पंजाबी जो है हम गटर नाले की वो हैं, हमें शर्म आती है यार को कहना दे के तो पंजाबी बोल रहे थे, यार शर्म करो यार सबके सामने पंजाबी बोल। लेकिन अब तो सब पंजाबी पंजाबी करते हैं, आप देखें कई लोग हैं जो फौज तक पूरी पंजाबियों की है। अरे भाई अच्छा है बोल लेने दो, ताकि उसको अच्छी उर्दू बोलने वाले से दुश्मनी ना हो, इनको हर एक से दुश्मनी थी, यानी आप अंदाजा लगे फैज साहब पंजाबी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं पंजाबी में कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कह दिया कुछ नहीं, अब इकबाल तो दोनों के गाने गा के तराना भी गा दिया, इंडिया के लिए भी पाकिस्तान दोनों लिख के गाने का, पता नहीं आजकल किस तरफ वो क्या कहते हैं ऊंट किस तरफ बैठे, दोनों के लिए लिख दो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और फिर चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, दोनों तरफ बना दिया एक ही रिदम में, ये इतने हम लोग स्टूपिड लोग हैं, हमारा नेशनल एंथम हमको नहीं समझ में आता क्या किस जबान में, उन्हें कहा ये बड़ा ठीक है ये कोई नहीं समझ सकता, बंगाली तो समझ ही नहीं सकता, उन्हें कहा लगा दो इसको। लेकिन अभी अभी जो ये तहरीक लबैक वाले निकले हैं उनको आप कैसे देखते हैं कि ये इनसे क्या ये ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के दो ग्रुप है, एक सपोर्ट कर रहा है इनको और एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। दिस इज द जीनी कमिंग आउट ऑफ द लैंप, इसको वापस आप नहीं डाल सकते अंदर, जब आपने तय किया है कि जिन लोगों का काम मुल्क की दिफा और उसके बॉर्डर्स पे रहना है और वो डिटरमिन करें कि गन्ने की कीमत क्या होगी, तो भाई गन्ना पीसने वाले की भी तो नौकरी छोड़ दो, इंपोर्ट आप करते हैं एक्सपोर्ट आप करते हैं, सीमेंट आप बनाते हैं, फर्टिलाइजर आप बनाते हैं, बम आप बनाते हैं, एंटी बम बम भी आप ही बनाते हैं और आम लोगों को देते हैं अल्लाह के नाम पे इस्लामिक उस स्पिरिट में कि गो अटैक, आपकी पूरी तालिबान आपने बनाई, पूरा अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क, खलीलजाद साहब तो अपना भुगतेंगे लेकिन ये गुनाह हमारा हमसे हुआ, एक सिविलाइज कंट्री को हमने टोटली डेविस्टेट किया, हमारे घर में हुआ, कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा और नहीं आने देंगे, अब सब खत्म होने के बाद हाथ में राइफल हो तो वो पुलिस वाले को मारने से रोकेगा, आपने पहले उसको बताया कि बेटा अगर मर गए घबराने की बात नहीं है, ऊपर 72 हूरें पड़ी हुई,
जो तुम्हारी इस वक्त शक्ल है इसमें तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तुझे, मार्केट में है ही नहीं कोई, कोई नहीं बात करेगा तुझे, तुझे मरना पड़ेगा, फिर अल्लाह मियां तुझे दे दें दो चार या 72 दे दें। वो इस चक्कर में लगा हुआ कि या अल्लाह मौत तो आए, मैं कब तक बैठा रहूंगा यहाँ, जहां जाता हूं मैं लड़की के पीछे वो रोड क्रॉस करके कहीं और चली जाती है, सड़ा की बनेगा वो लड़ने मरने के लिए। वो पुलिस वाला बेचारा तो मरने के लिए नहीं तैयार है ना। दिस इज अ क्राइम बीइंग कमिटेड इन पाकिस्तान के पुलिस मैन आर बीइंग शॉट डेड। 125 मतलब कंपनी कितने की होती है, 300 पुलिस मैन इज अ कंपनी, यानी आई माइट बी ऑफ लिटिल बिट। आप ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन पुलिस मैन, दैट इज लाइक बलूचिस्तान में तो हो कोई वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ने, ये लाहौर के अंदर आप पुलिस वाले और गरीब लोग, उनकी क्या तनख्वाहें, क्या उनकी फैमिली है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे कोई चांद सितारे से तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी यू आर ओपनली इन एक्सेप्टिंग। अब तक ये होना, अब तक तो मिलिट्री को आके टेक ओवर करके करना चाहिए था। सिविल डिसऑर्डर भी नहीं है, ये तो आर्म्ड अपराइजिंग है by an illegal group against a force that has been legally put there to provide protection and the law to ordinary citizens. 100% nahi hota, that's different, but this is complete lawlessness. Aur uske baad ek aur cheez dekhi ki absolutely no coverage anywhere in the world. Aapki ye halat ho gayi hai कि इतनी डेथ्स के बाद भी सब ने कहा यार उसके कवर करने कौन जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाते हैं सारी। आप देखिए वेस्टर्न रिपोर्टर्स औरतें जाती हैं अफगानिस्तान, मर्द नहीं आपको मिलेगा रिपोर्ट, वो वहीं से हिजाब दुपट्टा पहन के रिपोर्ट करती है जैसे कोई बहुत बड़ा चे गुवारा के साथ गुरिला एक्शन हो रहा है। और वो उसमें पाकिस्तान के अंदर पुलिस वाले मर रहे, देयर इज नॉट अ सिंगल रिपोर्ट ऑन BBC और RT, which is Russian TV, or CNN, or CB, nowhere in the world. It tells you that the rest of the world looks at us as kya kachra beech mein aa gaya. Ye wohi hisab hai jaise Israel Iran ke piche pada hua hai ki inka ye bomb na bana paaye. Aur jinhone bomb bana diya hai, jo Pakistan hai, Israel के जहन में नहीं आता है कि ये कॉर्नर स्टोर चलाने वाले, टैक्सी रिक्शा वाले चलाने वाले लोग ये क्या बंद बनाएंगे। हमको इस काबिल ही नहीं को समझता कि हमसे वो ढंग की बात हो सके। लेकिन अभी ये FATF की ग्रे लिस्ट में ये अभी भी है, और इन्होंने फिर सऊदी अरब से पैसे मांग लिए हैं और उन्होंने दे दिए कि बैंक में रखो देखने के लिए, उन्होंने कहा खर्च नहीं जैसे पहले दिए थे। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा, या आखिर अपनी इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं करते आपके ख्याल से, कि ताकि मजबूत होंगे तो लोग इनकी बात भी सुनेंगे। भिखारियों की बात कौन सुनता है, ऐसे लोगों की बात कोई नहीं सुनता जो पैसे मांगते रहते हैं। व्हाट विल यू प्रोड्यूस, आपकी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई है। डू कंट्रीज लाइक इंडिया आर मूविंग अवे फ्रॉम प्रोड्यूसिंग गुड्स टू प्रोड्यूसिंग पैटेंट्स which are more valuable in the long term on the stock market than the product that you are producing, your company bana rahi hai. Agar textile bana rahi hai to uski ek value hoti thi. Agar koi aisa fiber patent kara raha hai that can resist say cold, to resist cold in a snowy country, that will become a value added production. For that, you need people who are willing to study in a rational way the scientific method. Jab aapki fundamental approach hai ki the earth is flat and suraj roz sham ko keechad ke andar dab jata hai, to ab mujhe bataiye, can you someone say that this is not possible? Uski to gardan kaat denge. When a country is based on fables that say horses can fly, और ये भी आप कह सकें कि भाई दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज मे बी रेफरेंस इन अ पोएटिक मैनर, कोई भी तरीके से आप, और पीपल जेन्युइनली बिलीव हॉर्स फ्लू, देन ही गॉट रिफ्यूल्ड इन जेरूसलम एंड एट अ प्लेस दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम।
Masjid Aqsa was built when Hazrat Umar went there in 661. Mm. But the horse landed there before the mosque was being made, Masjid Aqsa pe. So hum ye bhi nahi kar sakte ki apne ulama jo hain, I yahan Canada mein aaye, there are Muslim scholars, I can sit with them, who Indian Pakistani nahi hain, ya to wo converts hain ya Africa ke hain. You can talk, unko para nahi chadta, wo hans dete hain. I go, one mosque that I go to, the imam always says, oh, here comes trouble. और हंस रहा होता है क्योंकि रैशनली आप लोगों से बात कर सकते हैं. पाकिस्तान रैशनलिज्म से किनारा, नथिंग कैन बी डिस्कस्ड इन दैट कंट्री. इफ नथिंग कैन बी डिस्कस्ड रैशनली और लॉजिकली, देन यू कांट प्रोड्यूस द गुड्स दैट कैन मेंटेन एन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. किसी जमाने में टेक्सटाइल्स बनते थे, एक्सपोर्ट होते थे, जूट का एक्सपोर्ट था, मार्बल ऑनिक्स एक्सपोर्ट होता था. अब आपने चाइना को बेच दिया सब कुछ, और चाइना ने कितना, $35 मिलियन मांगे, बताइए 38 गलती होगी, 3 मिलियन इधर उधर क्या. लेकिन एक चीज और है तारिक साहब, इन्होंने अमेरिका को कहा कि उन्होंने जैसे एयर बेसिस की दोबारा बात की यहाँ पे मिलिट्री बेसिस की, इन्होंने कहा हाँ हम दे देंगे, लेकिन आप भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक करवा दीजिए. मतलब ये पॉसिबल है, ये भी एक न्यूज आई है, ये भी न्यूज चल रही है कि ये इन्होंने कहा है कि अमेरिका इनके टर्म्स भारत के साथ सही करवा दे, ये एयर बेसिस दे देंगे, लेकिन खैर नोट भी लेंगे. एब्सोल्युटली नोट, मैं कहती हूँ इनको, ये नोट कहते हैं, मैं नोट कहती हूँ, नोट लेके एयर बेसिस दे देंगे, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं जरा भारत के साथ भी सलाम दुआ करा दे. यानी पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका को, जी इसमें तो लिफाफे काफी मोटे होते होंगे. ये भी न्यूज आई है, ये भी तो है ना, बेचारे जनरल पहुंचा है, अब रिटायरमेंट के अंदर उसको आप जंग में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उसको पापड़ बनाने आते हैं, उसको यानी फिशरीज में कहीं डाल दीजिए, यानी फर्नीचर की फैक्ट्री लगवा दीजिए उसको, टोरंटो में वो खरीदे में कई जनरल्स ने शॉपिंग मॉल, तो बेचारे उनका भी तो, आप उनका भला नहीं चाहती है, ये मसला आपका. लेकिन लेकिन क्या अमेरिका ताल्लुकात ठीक करवा सकता है भारत के साथ? अमेरिका अपने ताल्लुकात नहीं ठीक करवा पा रहा है. अमेरिका के अंदर आप समझ रहे हैं कि वहां को बहुत समझदार लोग आके बैठे हुए, जो प्रेसिडेंट का बेटा है वो चीन को खा रहा है, उससे रिश्वत ले रहा, हंटर बाइडेन. ये जो बाइडेन साहब है, इनकी उम्र मेरा ख्याल है ये BC से लड़ रहे हैं इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट है, पता नहीं कब से लगा हुआ ये आदमी, से याद भी नहीं कि क्या करता. आप बताइए ये जो अफगानिस्तान में किया है कि अमेरिकन फौज ने कब्जा करके काबुल के प्रेसिडेंशियल हाउस में, और फिर वहां से तालिबान को बुलाया कि प्लीज कम एंड टेक ओवर. ये अमेरिका है, ये तो खलीलजाद बेच गया अमेरिका को. सो वहां की उम्मीद ना रखें. यूरोप में है कुछ लीडर्स, आई होप द जर्मन नेक्स्ट चांसलर इज एज वाइज एज ये जो खातून थी, या मैक्रॉन का, उसका भी इलेक्शन होने वाला है. बट वहां पे भी व्हेन देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट विंग गवर्नमेंट्स, लाइक इन ऑस्ट्रिया और इटली के अंदर जो होम मिनिस्टर पे चार्जेस लगे हैं, वेरी डार्क डेज फॉर मुस्लिम्स. यानी अब तो मैं स्ट्रेट बात हो रही है, आप रेफ्यूजी हैं. और आप दो कंट्री को और देखिए, टर्की पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को बॉर्डर पे यूज करता है पैसे लेने के लिए, 100 मिलियन दो वरना 1,000 पाकिस्तानी हम भेज देंगे ग्रीस में. पाकिस्तानी भी ऐसे चौकन्ना होकर बैठ जाता है, वो भी कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन होती है, फिर वापस जूते मार के अफगानी और पठानी रेफ्यूजी कैंप में आ जाते हैं, फ्रांस वहां भेज देता है. दे आर ट्रीटिंग अस लाइक डॉग्स एंड वी आर विलिंग, बिकॉज वहां पहुंच के भी हमारा ये उमंग होती है कि ये काश के तबाह हो जाए मुल्क. सर बड़ा कुफर है सर, लड़कियों को देखो, अबे मत देखो, पर्दा डाल लो आंख पे, कमीनो बुरके पहन लो, क्यों गए हो वेस्ट में? हर एक का टेंशन कनाडा में आने वाले, यार उरियानी हो भी चल रही है, उरियानी आने वाली, खरीद ले, चार बीवियां हैं,
अच्छा, और यहाँ के जो मुल्ला है वो ये बता रहे हैं कि हूरों ने 100 ड्रेस पहने होंगे फिर भी नजर आ रही होंगी, और वहां पे जाके कह रहे हैं गुदा नजर आ रहा होगा, वो हड्डी के अंदर गुदा, ये कैसी ब्यूटी इनकी, ये कौन देखना चाहता है इस टाइप के आदमी को। आप सोचिए एक इंसान चला जा रहा है उसकी नलियां नजर आ रही हैं, मुझे तो वॉमिटिंग हो जाए। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, वो सेक्सुअली एक्साइट हो गया, उन्हें को 300 फुट की हूर और उसकी नली नजर आ रही, ये किस किस्म के कसाई की दुकान में बैठे हुए हैं क्या है ये। वो कटकट होती थी कराची में, बनती थी उस टाइप कटाकट, कटाकट बना रहे हो, हूरों का कटाकट देख रहे हो, अरे भैया नली देखो नली की निहारी का, we are stupid, who believes that a 300 foot woman when you're only 5 feet tall, usko keede ki tarah lag rahe hain, idhar idhar maulvi bhag rahe hain, abaji baji baji here here here, why would she be 300 feet, pata nahi kya batate hain, aur matlab itne serious se batate hain, mujhe to hansi aati hai, ha tv pe jaake aur log sajde mein sar zameen pe maar rahe hain, ऐसे ऐसे क्या आप उसके बाद आपका सवाल पूछते कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या हलवा बनेगा, पाकिस्तान का कचूमर नहीं होता था या वो क्रिकेट के में वो चूरन जो ऐसे लंबे उसके अंदर दाल मोट डाल के बनता था, इट इज अ नॉन कंट्री, ये समझे ना, यू एनी प्लेस कैन बी अ कंट्री इफ यू आर रैशनल, इफ यू स्टडी साइंस, बट इफ यू बिलीव दैट द अर्थ that the sun, the earth is flat and the sun sinks into a pool of mud, भैया आप तेरी किस्मत में वो कीचड़ है जहां वो सूरज डूबता है। और आप ये भी मैंने सुना कि जोहर की नमाज वो कजा हो रही थी तो अल्लाह मियां ने सूरज पीछे कर दिया, नगद वो कोई बात नहीं आप नमाज, ये कहां सुना, अरे हदीसों में है, मर गे तो जोर की नमाज रह गई, उन्होंने कहा इसमें क्या बात है भाई, हम अल्लाह में से कहा, उन्होंने कहा अच्छा वे सूरत को पीछे कर दे, आधा घंटा इधर किया ईस्ट के अंदर, फीजी के अंदर लोगों को दो दो मगरिब हो गई, बट वी बिलीव इट। इस वक्त जो आपके ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो कह रहे हैं खुदा कैसा क्या कुफर बकरा यार, भाई ये अगर प्रॉफिट मोहम्मद के पास भी जाके ये जहालत की बातें करते तो वो भी चपत लगा देते के, और हैरत की बात है कि जाहिल से जाहिल होते चले जा रहे हैं और ठीक होने को तैयार नहीं है, और ऑक्सफोर्ड से पढ़ पढ़ कर आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो अजीब हालत होती है इनकी। अब ये क्रिकेट के अंदर तो सब नजर आ गया ना जहालत, अल्लाह मियां को पासपोर्ट दे दिया इन्होंने पाकिस्तानी, अफगानिस्तान जीत के मर जाए, नॉट इंटरेस्टेड, अब अफगानिस्तान में मुंह नहीं लगा रहा, अब अफगानिस्तान में सर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अब अफगानिस्तान भी इनको मुंह नहीं लगा रहा है, और बस अफगानिस्तान में मेरी प्रेडिक्शन सुनिए जी, तालिबान विल फाइट तालिबान एंड इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू इयर्स, नॉट मोर देन 2-3 इयर्स, देयर विल बी अ डेबैकल एंड यू विल फाइंड दैट द पीपल, ये जो औरतें काबुल में जुलूस निकाल रही, ये आप पता करें कौन किसकी बेटियां हैं, ये नूर मोहम्मद तराकी और जो पहले प्रेसिडेंट्स गुजरे थे, जो वहां कौन सा वतन पार्टी थी जिसके हफीजुल अमीन भी थे, ये सब ये लोग, दे देयर पार्टी स्टिल एग्जिस्ट, को 35-30 हजार इनके अपने ऑपरेटिंग मेंबर्स हैं, एंड दे द डे दे कम बैक आफ्टर दिस, ये जो कहत आने वाला कि खाने को नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, नो मनी फॉर एनीवन, गर्ल्स बीइंग सोल्ड फॉर $500 अ पीस, एंड हम कह रहे हैं क्रिकेट में अल्लाह मियां ने जितवा दिया मैच, अल्लाह मियां वहां बच्ची 500 में बिक रही है, उसको नहीं रुकवा सका, तुम्हारे LBW बचा गया क्या, वी हैव बिकम टेरिबल ह्यूमन बीइंग्स, जब तक हम अकल नहीं लड़ाएंगे और अफगानिस्तान के साथ जो हमने जुल्म किया उसकी दिलों में इंडिविजुअली माफी ना मांगे कि हमसे बहुत, बंगाल से हमने यही किया, तालिबान के साथ हमने अफगानिस्तान में ये किया, और इतनी बुरी पोजीशन दुनिया में करने के बावजूद हम वैसे के वैसे ठने में,
यहाँ आके 50 साल भी कनाडा में रह जाते हैं, उनका एटीट्यूड वही रहता। बिल्कुल, हमें अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा तभी हम कुछ ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा तो सुर सवेरा अभी नहीं आया है ना। अच्छा, नहीं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।